हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रेप आईएएस। एंड टुडे इज़ द थर्ड लेक्चर फॉर आवर कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन सीसैट। आई होप यू ऑल हैव इंजॉयड द फर्स्ट टू लेक्चर्स ऑन नंबर सिस्टम, फ्रैक्शन एंड अलजेब्रा। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उस डाउट को हमारे गूगल फॉर्म में फिलअप कर सकते हैं, और अगर कुछ बड़े डाउट्स हैं तो आप उसको मार्क कर लो, नोट डाउन कर लो, और हमारे जो लाइव डाउट सेशन है उसमें आप हमसे लाइव डायरेक्टली विदाउट हेजिटेशन एंड नंबर ऑफ डाउट्स यू कैन आस्क, बट दैट शुड बी रिलेटेड टू द सीसैट कोर्स। एनीवेज, सो टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद अ न्यू टॉपिक एंड दैट इज HCF एंड LCM। देखने में तो ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, हालांकि मैं इसे ये कह सकता हूँ कि HCF एंड LCM से वी कैन एक्सपेक्ट वन और टू क्वेश्चंस। इससे ज़्यादा तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, एक से दो क्वेश्चंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इट कैन बी टू, इट कैन बी वन। सो बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग, व्हाट वी नो अबाउट इट, लेट्स डिस्कस समथिंग कि HCF क्या होता है। वी ऑल नो दैट HCF इज हाइएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF इज नथिंग बट एन हाइएस्ट कॉमन फैक्टर। सर, लेट्स गिव मी एन एग्जाम्पल। मान लो अगर मैं कोई एक नंबर देता हूं 4, 8, 12, 20, तो मैंने यहां पे ये देखा कि 4 का जो मल्टीपल होगा, हमेशा हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही करने की कोशिश करेंगे। बड़े नंबर्स हो तो डिवीजन मेथड कर सकते हैं, मैं और भी कुछ ट्रिक्स आपको दूंगा, बट अभी मैं एक सिंपल कंसेप्ट पे जाता हूँ कि 4, 8, 12 और 20 का HCF क्या होगा। तो 4 को अगर हम तोड़ते हैं तो 2 into 2, 1 तो चलो कॉमन में रहता है, ये चलो मैं लिख ही देता हूँ। 8 को अगर हम तोड़ते हैं, 8 को अगर हम ब्रेक करते हैं तो इट इज़ गिविंग मी 2 into 2 into 2 into 1। 12 को अगर हम ब्रेक करते हैं तो इट इज़ गिविंग मी 2 into 2 into 3 into 1, और अगर हम 20 को ब्रेक करते हैं तो इट इज गिविंग मी 2 into 2 into 5 into 1, राइट? एक बात याद रखना, कोई भी एक नंबर का, कोई भी एक से ज्यादा नंबर्स जो भी रहेंगे, अगर उसके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिलता है तो 1 हमेशा मिलेगा, क्योंकि 1 इज अ नंबर विच इज प्रेजेंट इन एवरी नंबर ना। ये तो मुझे पता है कि 1 सब में है, बट अगर उसमें कुछ और भी मिलेगा तो वो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। अभी हम देख सकते हैं कि इस नंबर में, इसमें आपको क्या दिख रहा है कि भाई यहां पे 2 into 2 कॉमन है, यहां पर भी 2 into 2 है, यहां पर भी 2 into 2 है, और यहां पर भी 2 into 2 है, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, 2 into 2 into 1, दैट इज 4। अभी आप देखोगे तो यहां पर एक 2 है जो कि सब में अवेलेबल नहीं है, तो ये कॉमन नहीं है। 3 भी यहां पर अवेलेबल है, 5 भी यहां पर अवेलेबल है, बट ये सब में अवेलेबल नहीं है। हमें कॉमन खोजना है, और दैट कॉमन शुड बी हाईएस्ट कॉमन। तो एक 2 भी था दोनों में, चारों में, बट हमने हाईएस्ट देखा, तो यहां पर 2 2, यहां पर 2, यहां पर 2 और यहां पर 2, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकलता है, यह बात आपको समझ में आ गया। क्लियर? हाईएस्ट कॉमन मतलब कॉमन देखो, एंड दैट कॉमन शुड बी हाईएस्ट विच इज अवेलेबल इन ऑल द नंबर्स, ऑल द गिवन नंबर्स, दैट इज आवर HCF। इफ यू डू नॉट फाइंड एनी कॉमन, देन वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट 1 इज दैट नंबर विच इज अवेलेबल विच इज मल्टीपल विथ ऑल द नंबर्स, तो 1 हमारा हाइएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। ओके सर, अब हम बात करेंगे LCM की। अब अगर हम इसी नंबर का LCM निकालने की कोशिश करें, 4, 8, 12, 20, तो एक हमारा तरीका क्या होता है कि 4, 8, 12 और 20 का LCM निकाल लेते हैं। तो हमें यह दिखता है कि 4 के टेबल में, मैं 2 से भी चेक कर सकते हो, बट हम डायरेक्टली 4 के टेबल में चेक करेंगे। 4 के टेबल में अगर हम चेक करते हैं तो ये जा रहा 1 टाइम्स, ये जा रहा 2 टाइम्स, ये जा रहा 3 टाइम्स, ये जा रहा 5 टाइम्स। अभी मुझे क्या दिखा
कि ये जो चीजें हैं ये ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है तो ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 × 2 × 3 × 5, यस और नो? तो हमारा आंसर क्या होगा, 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24 एंड 24 × 5 दैट इज 120। तो ये एक ट्रेडिशनल कंसेप्ट है। अभी हम अपने कंसेप्ट की बात करते हैं, ये देखो और समझो। देखो हम सबसे बड़े नंबर को चेक करेंगे, ये चेक करेंगे कि बड़े नंबर बाकी किस किस को डिवाइड कर सकता है। सर 4 इज परफेक्टली डिविजिबल बाई 20, यस, तो 4 को हम एलिमिनेट कर देंगे। कहने का मतलब है कि अगर 20 या 20 का जो भी मल्टीपल्स होगा, 20 हो, 40 हो, 60 हो, 80 हो, 100 हो, उन सब नंबर में आपको 4 मिलेगा, वो 4 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि अगर ये 420 से डिवाइड हो जा रहा है तो इसके कोई भी मल्टीपल्स 4 को डिवाइड कर देंगे, तो 4 चेक करने का जरूरत नहीं है। ओके, अभी हम क्या करेंगे, 20 का टेबल पढ़ेंगे। तो 20 × 1 = 20, सर क्यों 20 का पढ़ रहे, क्योंकि हम अपने बड़े नंबर का टेबल पढ़ेंगे। तो 20 × 2 = 40, राइट। अभी आप चेक करो कि 40 किसको किसको डिवाइड कर सकता है। अच्छा, आप ये भी कह सकते थे कि सर 20 4 को डिवाइड किया, फिर आपने ये चेक किया कि वो 8 को डिवाइड नहीं कर रहा है, 12 को डिवाइड नहीं कर रहा है, इसीलिए मुझे फर्दर टेबल पढ़ने का जरूरत पड़ा। अगर वो सबको डिवाइड कर देता तो 20 ही तुम्हारा एलसीएम हो जाता, आगे चेक करने का जरूरत नहीं पड़ता। जब हमने 40 को नंबर माना तो मैंने देखा कि 8 जो है वो परफेक्टली डिविजिबल हो जा रहा है 40 से, तो 8 को गायब कर दो। इज इट ओके? अभी ये पता है कि 12 40 को डिवाइड, या 40 डिवाइडेड बाय 12 इज नॉट अ परफेक्ट नंबर। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम 40 का टेबल पढ़ेंगे। डू रिमेंबर, 20 का नहीं, 40 का पढ़ेंगे। 40 का जब टेबल पढ़ेंगे तो 40 × 1 = 40, 40 × 2 = 80। सर 80 भी 12 से डिवाइड नहीं होगा, 43 × 1 = 120, ये 120 12 से डिवाइड हो रहा है, तो द आंसर विल बी 120। होप इट इज क्लियर। प्लीज कंसंट्रेट किस इस कंसेप्ट को। आपको लग रहा होगा सर आपने बहुत ही छोटे नंबर्स दे दिए हैं, नहीं मेरे भाई, तरीका अगर क्लियर हो तो आप किसी भी सम्स को कर सकते हो। मैं थोड़ा बड़ा नंबर दे देता हूं आपके लिए, एक और बार ट्राई करते हैं। मान लो 10, 15, 25 और 40, ठीक। तो मैंने क्या कहा था, अपने बड़े नंबर को चेक करेंगे। क्या 40 10 को डिवाइड कर देगा? हाँ। क्या 15 को करेगा? ना। 25 को करेगा? ना। तो 40 का टेबल पढ़ेंगे। 40 के टेबल में नेक्स्ट आता है 80, ये भी दूसरे को डिवाइड नहीं कर रहा। अब आता है 120, क्या 120 15 को डिवाइड कर देगा? हाँ। 25 को डिवाइड कर देगा? ना। अब आप ये देखोगे कि हम 120 का टेबल पढ़ेंगे, तो 120 के टेबल में आया 240, 360, ये सब 25 को डिवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि 25 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि लास्ट के दो डिजिट या तो 00 हो या तो लास्ट के दो डिजिट 25 हो। 25, 50 और 75 अगर है तो ही ये 25 से डिवाइड होता है। तो आप डायरेक्टली भी जा सकते थे, खैर कोई बात नहीं, 360 उसके बाद 480, ये भी डिवाइड नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही मैं 600 लिखूंगा तो वो 25 को डिवाइड कर दे रहा है, तो हमारा एलसीएम हो गया 600। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। देखने में आपको लग रहा होगा भाई मैंने भी बहुत मेहनत किया है तो इस चीज को सीखा है, एक बार अगर आप कमांड बना लोगे तो यू विल बी वेरी, मतलब बहुत मजा आने वाला है। कोई सामने बैठा रहेगा वो ऐसे कर रहा और तुम ऐसे मन में कैलकुलेट करके सॉल्व कर लोगे, थोड़ा प्रैक्टिस चाहिएगा इसके लिए। एनीवेज, बाकी तो अगर आपको इस पे मेहनत नहीं करना है तो हमारे बचपन में सिखाए गए ट्रेडिशनल तरीका यूनिवर्सल है, कभी भी इस्तेमाल करो, यस और नो? अच्छा, तो एचसीएफ और एलसीएम के जो बेसिक बातें हैं वो मैंने समझ लिया।
अभी सर आप मेरे को यह बताइए कि अगर कोई फ्रैक्शन है तो उसका HCF और LCM कैसे निकलेगा? तो उसका HCF कैसे निकलेगा और उसका LCM कैसे निकलेगा? एक फ्रैक्शन का HCF क्या होता है? तो फ्रैक्शन का HCF होता है HCF ऑफ न्यूमरेटर्स, न्यूमरेटर के HCF को देखो, और LCM ऑफ डेनोमिनेटर, ओके। और इस केस में LCM ऑफ डेनोमिनेटर, सॉरी न्यूमरेटर, डिवाइडेड बाय HCF ऑफ डेनोमिनेटर। सर हम भूल जाएंगे, भूल जाओगे, भूलोगे नहीं। अगर आपको HCF निकालना है तो पहले HCF रखो फिर LCM रखो, अगर आपको LCM निकालना है तो पहले LCM रखो फिर HCF रखो। अब तो शायद याद हो जाएगा। ये केस हम डेसिमल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मान लो तुमको किसी डेसिमल को निकालना है तो डेसिमल को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे और हमको HCF या LCM जो भी निकालना होगा वो हम निकाल सकते हैं। होप इट इज क्लियर टू ऑल। आइए इस पे पहले एक सम्स कर लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो क्या पूछ रहा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट लेंथ। अभी ग्रेटेस्ट लेंथ का मतलब ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट इज कंटेंड एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स इन 3 1/2 मीटर एंड 8 3/4 मीटर। तो हम पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जब भी हम मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं तो रूल याद रखना, वी पहले मल्टीप्लाई फिर प्लस, मतलब 3 × 2 और फिर प्लस, तो 6 + 1 7/2 और दूसरा हो जाएगा 8 × 4 = 32 और 3 = 35/4। ओके, अब मेरे को आप ये बताओ भाई, अब आप मेरे को फटाफट ये बताओ कि हमको क्या निकालना है। हमको निकालना है HCF, और जब हम निकालेंगे HCF तो मेरा आंसर, HCF निकालते समय आप पहले HCF निकालोगे, यानी HCF ऑफ न्यूमरेटर्स दैट इज 7 और 35 का HCF डिवाइडेड बाई LCM ऑफ डेनोमिनेटर दैट इज 2 और 4 का, कोई दिक्कत? अब आप मेरे को बताओ 7 और 35 का HCF क्या होता है? तो 7 होता है ना, और 2 और 4 तो बड़ा नंबर क्या है 4, 2 से वो डिवाइड हो जा रहा है तो LCM हो गया 2। आंसर इज 7/2 मीटर, जो कि यहां पर अवेलेबल नहीं है, तो आंसर इज नन ऑफ दिस। आई होप दिस इज क्लियर। ये करने के बाद प्लीज 2020 का पेपर, आई गेस 2020 या 19 में इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा गया है, प्लीज इसको जरूर ट्राई करिएगा। जब भी फ्रैक्शन का या डेसिमल का करना है, अगर HCF निकालना है तो पहले HCF फिर LCM, अगर LCM निकालना है तो पहले LCM फिर HCF, मतलब न्यूमरेटर डेनोमिनेटर। होप इट इज क्लियर। तो ये कंसेप्ट तो आपको समझ में आ गया। जी सर, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी जिस तरह के सम्स आपको एग्जाम में एक्सपेक्ट है या एक्सपेक्टेशन है कि इस तरीके के सम्स आपको काफी मिलते हैं, यहां पर एक चीज समझने का होगा कि LCM लगेगा कि HCF लगेगा, यह समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 3 bells रिंग एट इंटरवल्स ऑफ 9, 12 और 15 मिनट रेस्पेक्टिवली, ऑल द 3 बिगेन टू रिंग एट 8 AM, At what time will they ring together again? अब बाद में एक साथ कब रिंग करेगा, तो समझने की कोशिश करना और आप खुद बताना पहले कि LCM होगा कि HCF होगा। 9 मिनट के बाद यह बचता है, 12 मिनट के बाद यह बचता है, 15 मिनट के बाद यह बचता है, यह 9 9 9 9 9 ऐसे बचते जाएगा, यह 12 12 12 12 करके बचते जाएगा, हां या ना, और यह 15 15 करके बचते जाएगा। मतलब बाद में कहीं पे जाकर हमको पता चलेगा कि एक ऐसा कॉमन पॉइंट आएगा जो कि तीनों को साथ में बजा देगा, हाँ या ना, तीनों बेल एक साथ बज जाएगा। तो ऑब्वियसली हमको
लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम निकालना होगा। अभी हम उसी ट्रिक से एलसीएम निकालेंगे जिस ट्रिक से हम पढ़े थे 9, 12 and 15। Now we can see that 15 is a greatest number which is not dividing 9 also and 12 also. तो 15 का टेबल पढ़ेंगे 30 नहीं जा रहा है, 45 तो वो 9 को खा गया, 9 को उड़ा गया, हाँ या ना। अब मेरे पास क्या बचा, 12 और बचा 45, 45 का टेबल पढ़ेंगे तो 45 90, 135 और 180, यस और नो। तो 180 जैसे आया तो मुझे दिख रहा है कि वो 12 को डिवाइड कर सकता है, यानी एलसीएम मेरा क्या हो गया, 180 मिनट्स। होप इट इज क्लियर। एलसीएम मेरा क्या हो गया, 180 मिनट्स। 180 मिनट्स का मतलब कितना होता है, 3 आवर्स होता है ना। अभी पहला घंटी बजा था 8 बजे, तो 3 घंटे के बाद यानी 8 AM प्लस 3 आवर्स दैट इज 11 AM में दूसरी बार एक साथ तीनों के तीनों का घंटी बजेगा। ऐसे ही ट्रैफिक सिग्नल के सम्स होते हैं कि भाई ट्रैफिक सिग्नल्स के जो ट्रैफिक लाइट्स है वो ए पहली बार यहां बजा इतने देर में होता है, दूसरी बार इतने देर, तो नेक्स्ट टाइम कितना, तो इस तरह के सम्स में आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। प्लीज इस बात को क्लियर रखिए। अगर आपको यह समझ में आ गया कि एचसीएफ कब निकलेगा और आपको पता चल गया कि एलसीएम कब निकलेगा, तो सम्स में कुछ बचेगा नहीं, बस गलती बच्चे इसी में करते हैं। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5% फायर बुलेट्स एट अ टारगेट एट एन इंटरवल ऑफ 6, 7, 8, 9 and 12 seconds रेस्पेक्टिवली। The number of times they would fire the bullets together at a target in an hour, एक घंटे में कितना bullets fire होगा ये पता करना है। तो पहले तो ये पता करें कि हम, अब मेरे को आप ये बताइए कि सर इसमें आप LCM निकालोगे या HCF निकालोगे। तो क्योंकि मेरे को यहां पर सेकंड दिया हुआ है, यानी आगे कोई एक जगह पर जाकर साथ में बुलेट टुगेदर है ना, बुलेट्स टुगेदर है बाद में कभी, यानी हमको यहां पर एलसीएम निकालना। एक बार इस क्वेश्चन को देखो ना, रिंगिंग है और टुगेदर है, एलसीएम निकालना पड़ा। तो हम किसका एलसीएम निकाल रहे, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का और 12 का। 5 नंबर है, मैंने आपको ट्रिक बताया था, देखते ही देखते बड़ा नंबर 12 जो 6 को खा गया, हाँ या ना। 12 का टेबल पढ़ेंगे 24 वो 8 को खा गया, कोई दिक्कत। अभी 24 का टेबल पढ़ेंगे 48, 72 जो 9 को खा गया। भैया मेरे 7 को खाने वाला कोई नहीं हो सकता, क्योंकि 7 एक प्राइम नंबर है, यस और नो। तो प्राइम नंबर जब भी हो आपके सामने, आप कुछ मत करो, 72 × 7 कर दो, आंसर आ गया। क्यों सर, 72 एक ऐसा नंबर है जो 6 को भी डिवाइड कर देगा, 8 को भी डिवाइड कर देगा, 9 को भी कर देगा और 12 को भी कर देगा, बचा 7, तो मल्टीप्लाई कर दो बिकॉज इट इज अ प्राइम नंबर। मेरी बात समझो, जो ट्रिक मैंने बताया उसको अप्लाई करो, प्राइम नंबर के साथ छेड़खानी मत करो। अगर वो कट जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो परेशान मत हो। अगर एक प्राइम नंबर बचे या दो प्राइम नंबर, मान लो इसके साथ आपको 5 भी रहता, 5 भी प्राइम नंबर है, तो क्या करते, सारे प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई, 72 × 7 × 5, समझ में आया। जो कटे उसको काट दो, प्राइम नंबर बच जाए उसको लास्ट में मल्टीप्लाई कर दो। तो 72 × 7 कितना होता है, 7 × 2 = 14, 7 × 7 = 49 और 1 502 सेकेंड के बाद बचता है, यस और नो। कोई दिक्कत है तो बोलो मेरे, सॉरी 7 × 2 = 14 हुआ ना, 504 होगा, आई एम सो सॉरी। अभी क्या बोला, एक घंटे में कितनी बार, तो ये तो पता चल गया कि 504 सेकेंड के बाद सबके सब एक साथ बुलेट फायर करेंगे। अभी मेरे को यह बताओ कि एक घंटे में 60 मिनट्स होता है और एक मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो 60 मिनट में
60 इंटू 60 दैट इज 3600 सेकेंड होगा ना। पांचों के पांच एक साथ 504 सेकेंड में एक साथ फायर होंगे, तो 3600 सेकेंड्स में कितनी बार फायरिंग होगा? तो नंबर्स इज इक्वल टू 3600 बाई 504, क्या होगा आंसर? तो देखो बेटा यहां पर चीजों को समझने की कोशिश करो, चार इसको डिवाइड नहीं कर रहा, मतलब एक डेसिमल आएगा ही आएगा। तो अगर हम इसको प्रॉपर करने की कोशिश करें तो इट इज गिविंग मी अराउंड 7 पॉइंट कुछ। कैसे आपने समझा सर? अगर मैं 500 देखूं और ये 3600 देखूं तो 7 टाइम्स ये प्रॉपरली डिवाइड हो जा रहा है और कुछ बच जा रहा है। 8 नहीं हो सकता क्योंकि अगर 8 होगा तो यहां पे 4000 होना चाहिए, ये पोर्शन 4000 देता तो मैं कह देता कि 8 पॉइंट कुछ होता, अगर 4000 से कुछ ज्यादा होता तो 7 पॉइंट कुछ भी आ रहा है, डोंट माइंड। सो द आंसर विल बी 7 टाइम्स प्रॉपरली हिट होगा क्योंकि 7 पॉइंट कुछ है, मतलब 7 के बाद 1 घंटा से क्रॉस हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 7 बुलेट्स फायर होंगे टुगेदर तो 504 इंटू 7 व्हाट इज द आंसर? 3528 राइट। 504 इंटू 7 करेंगे तो 3528 सेकेंड में 5 बार बुलेट फायर हो जाएगा एक साथ। अभी नेक्स्ट बुलेट फायर जब होगा साथ में तो वो 1 घंटे से एक्सीड कर जाएगा, बट हमको तो पता करना है कि 1 घंटे में एग्जैक्ट कितना बार बुलेट्स फायर हुआ। तो आंसर इज 7। होप इट इज क्लियर। चीजें बड़ी सिंपल है, चीजों को ध्यान से सुनो और कोई भी डाउट हो तो प्लीज अपने कमेंट बॉक्स में डाउट को करो। मैं कोशिश करूंगा कि लाइव आपके उसी समय आपके डाउट्स को, छोटे छोटे डाउट्स होंगे तो मैं उसको सॉल्व करूंगा, अगर बड़े डाउट्स है या छोटे डाउट्स है तो आप उसको गूगल फॉर्म में भी कर सकते हो, और अगर कुछ बड़े डाउट्स है तो लाइव डाउट सेशन है उसमें आप जरूर अटेंड करें, लाइव हमसे सवाल पूछे और आपके आंसर्स मिलेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया तो प्लीज उसको कर दे क्योंकि ये सारे कंटेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ टेलीग्राम चैनल का, उसको जरूर ज्वाइन कर ले क्योंकि क्लास के वीडियोस, जो भी क्लास के जो लिंक है वो आपको वहां मिलेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस जो है वो आपको मिलेंगे। कई बच्चे मुझे क्लास में पूछ रहे थे, मैंने देखा कि सर डू वी नीड टू बाय एनी बुक? नो नीड टू बाय एनी बुक, इफ आई एम प्रोवाइडिंग यू एवरीथिंग व्हाई यू नीड टू बाय अ बुक? नो नीड टू बाय अ बुक, जस्ट प्रैक्टिस माई सेट ऑफ क्वेश्चंस और उसके बाद जब मैं आपको और भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा, आप करो ना कितना करोगे, यू नो नीड टू बाय एनी बुक। आप एश्योर रहो, आप अपने डाउट सेशन में लेकर आओ। मैंने सुना किसी ने, कोई कह रहे थे कि सर मैं आरएस अग्रवाल सर का, आरएस अग्रवाल सर का बुक आपके लिए नहीं बनाया सर, वो उसका लेवल अलग है, आपको समझना पड़ेगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। 4 मेटल्स रॉड ऑफ लेंथ 78 सेंटीमीटर, 104 सेंटीमीटर, 117 सेंटीमीटर एंड 169 सेंटीमीटर आर टू बी कट इनटू पार्ट्स ऑफ इक्वल लेंथ। ईच पार्ट मस्ट बी एज लॉन्ग एज पॉसिबल। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस दैट कैन बी कट? नाउ टेल मी एवरीवन, ध्यान से सुनो। यहां पर अपने को एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम निकालना है? इसको कट करना है पीसेस में जो कि इक्वल लेंथ में होगा, मतलब 78 को भी काटना है, 104 को भी काटना है, 117 को भी तोड़ना है, आई मीन टू से दैट, एंड 169 को भी तोड़ना है। तो भैया अगर एक ऐसा नंबर जो चारों को तोड़े या चारों में कॉमन निकलेगा तो बट ऑब्वियस है वी नीड टू फाइंड द एचसीएफ, यस और नो? अभी अगर एचसीएफ निकालने जाए तो यहां पर 78 है, 104 है, 117 है और 169 है। एचसीएफ निकालने का ट्रिक्स बहुत सारे हो सकते हैं, अगर आपको टेबल याद है तो कोई दिक्कत नहीं। अब आप इसको अगर तोड़ेंगे तो 78 क्या बनता है? 13 के टेबल में जा रहा है 5, 6 टाइम्स, ये जा रहा है 13 के टेबल में
8 टाइम्स, ये जा रहा है 13 के टेबल में 9 टाइम्स, और ये जा रहा है 13 के टेबल में 13 टाइम्स। तो भैया हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ? तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ 13। इज इट क्लियर टू ऑल? 13 इज द लेंथ ऑफ द रॉड, द हाईएस्ट लेंथ ऑफ द रॉड, जो कि सब में कॉमन हो जाएगा, यस और नो? तो अभी पूछता है कि नंबर ऑफ पीसेस कितने होंगे। अच्छा मेरे भाई, किसको काटना है? 78 को काटना है। किसको काटना है? 104 को काटना है, 117 को काटना है और 169 को काटना है। और जो आपने रॉड जो लिया है मेजरमेंट के लिए वो 13 का लिया है, तो यहां पे कितने पीसेस बनेंगे? अभी मैंने चेक किया था, कितने पीसेस बनेंगे? तो 6 पीसेस बनेंगे। यहां पर कितने पीसेस बनेंगे? तो यहां पे बनेंगे 8 पीसेस। यहां कितने बनेंगे? तो यहां बनेंगे 9 पीसेस। और यहां कितने बनेंगे? तो बनेंगे 13 पीसेस। तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पीसेस दैट कैन बी फॉर्म्ड? टोटल कर लो, आंसर आ जाएगा 8 और 9 होता है 17, 17 और 13 होता है 30, 30 और 6 होता है 36 पीसेस। लेट्स चेक द आंसर। यस सर, वी हैव गॉट द आंसर, 36 पीसेस। प्लीज, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि एचसीएफ लग जाएगा, एलसीएम लग जाएगा, होता है, मैं कोशिश कर रहा हूं आपको बताने के लिए। यहां क्या बोला? पार्ट्स ऑफ इक्वल लेंथ। तो भैया जब उसको ब्रेक डाउन करेंगे तो कॉमन खोजना होगा ना सब में। अगर चार दोस्त है तो हमारे बीच में कॉमन क्या है जो कि तोड़ सकता है चारों को? तो वो कॉमन खोजना पड़ेगा, यस और नो? ओके सर, आइए। अभी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? ए बी एंड सी स्टार्ट एट द सेम टाइम इन द सेम डायरेक्शन टू रन अराउंड द सर्कुलर स्टेडियम। ओहो, ये तो बड़ा सिंपल है। जब भी क्वेश्चन में सर्कुलर स्टेडियम बोल दे, सर्कुलर घूमना है, तो भैया एक बात बताओ, ये मान लो सर्कल है, तुम अपने राउंड को 252 सेकंड में कंप्लीट करते हो, दूसरा 308 सेकंड में करता है, तीसरा 198 सेकंड में करता है, तो कहीं बीच में तो मिलेंगे नहीं। याद रखना कि सर्कुलर के केस में हमेशा एलसीएम निकलता है, सर्कुलर के केस में हमेशा एलसीएम निकलता है, क्योंकि तुम तो दौड़ते रहोगे, कहीं आगे जाकर मिलोगे, हाँ या ना? तो एलसीएम निकालेंगे। अभी आप बोलोगे सर अब आपकी परीक्षा शुरू हुई कि इतने बड़े नंबर का एलसीएम कैसे निकलेगा, तो मैं वो भी दिखाऊंगा। 252, 308 एंड 198, राइट और रॉन्ग? तो भैया हमें ये पता है कि मेरे लिए 308 का टेबल पढ़ना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो ऑब्वियसली कि स्टूडेंट्स के लिए भी वो टफ हो जाएगा। तो यहां क्या करें, क्या करें सर हम यहां पे? तो कुछ नहीं करना है मेरे भाई, इसको नॉर्मल तरीके से एलसीएम ले लो, एक तरीका ये है, या इसको ब्रेक डाउन कर लो। तो ब्रेक डाउन करोगे तो भी वही मेहनत बनेगा, इसीलिए इट इज एडवाइजेबल कि ब्रेक डाउन ना करके, जब ब्रेक डाउन करना ही है तो हम सबको एक साथ ही नहीं करेंगे, है कि नहीं? ब्रेक डाउन जब करना है तो हम सबको एक साथ करेंगे, इसीलिए हम ब्रेकडाउन के प्रोसेस में नहीं जाएंगे। तो देखो अब यहां पर आपका डिविजिबिलिटी रूल का फैक्टर काम आएगा। हमको पता है कि सारे नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं, पर 2 तो एक ऐसा छोटा नंबर है जिसका कोई इज्जत नहीं, अलग बात है, जोक सारा पार्ट। अभी देखो 5 और 2 7, 7 और 2 9, 3 और 8 11, यानी ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो 3 से तो होना नहीं है। 2 नहीं देखेंगे, 3 नहीं देखेंगे, तो बड़ा नंबर पे जाएंगे 4। 4 का डिविजिबिलिटी रूल 52 से डिवाइड हो रहा है, 08 से डिवाइड हो रहा है, 98 से क्या डिवाइड हो रहा है चेक करो? नहीं, 4 से ये डिवाइड नहीं हो रहा, 98 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। तो 2 भी कट गया, 3 भी कट गया, 4 भी कट गया, 5 भी कट गया, 6 भी कट गया, समझ में आ रहा है? आप जो चेक करोगे छोटे छोटे नंबर्स को तोड़ तोड़ के, उससे अच्छा तरीका मैंने आपको बताया कि आप इसको
डिविजिबिलिटी रूल के कंसेप्ट का इस्तेमाल करो। होप इट इज क्लियर कि डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। भैया डिविजिबिलिटी रूल आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है? ओके, तो क्या करें अभी इसको? टू से गया नहीं, थ्री से गया नहीं, फोर से गया नहीं, फाइव से गया, टू से तो जा ही रहा है, चलो कोई बात नहीं, टू तो है ही मेरे पास, तो चलो टू लिख देते हैं, नहीं तो फिर तुम कहोगे कि सर परेशानी कर रहे हैं आप मेरे के साथ। तो ये गया 126, ये गया तुम्हारा कितनी बार 154, और ये कितनी बार गया 99, ठीक। अभी थ्री से जा नहीं रहा है, थ्री से जा रहा है क्या? हाँ थ्री से ये जा रहा है, ओके। तो फोर टू, मजबूरी हो गया मेरे भाई, नहीं तो क्या तुमको तकलीफ हो रहा था? मैंने देखा कि वो चीज़ आपके शायद परेशानी करे, इसीलिए मैं ये स्टेप में आ गया वापस, क्या करूँ, माफ़ कर देना मुझे। सेवन से जाऊँगा तो सिक्स आएगा। मैं चाहता था कि एक बड़े नंबर से डिवाइड कर दूँ तो आपको क्या आसानी रहेगा, ये थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है, कोई बात नहीं। 14 से गया तुम्हारा टू टाइम्स, 14 से गया तुम्हारा टू टाइम्स, और ये 33 ऐसे ही रह गया। 11 से गया तुम्हारा सिक्स, टू और थ्री। अब कर लो इसका एलसीएम, चेक करो और एलसीएम बताओ कितना आ रहा है। तो अगर आप चेक करोगे तो एलसीएम आएगा 2 का पावर 2, कितनी बार है? एक बार है और एक बार है, 2 का पावर 2। 3 एक बार, दो बार है, 6 है, 7 है और 11 है। भाई मैं कुछ नहीं कर सकता यहाँ पे, आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो 4 × 9 × 6 × 7 × 11 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 9 = 36, 36 × 6 × 7 × 11 मल्टीप्लीकेशन आई गेस आप सब कर सकते हो। यू विल बी गेटिंग 2772 एज एन एलसीएम, दैट यू हैव टू वर्क हार्ड। अगर जरूरत पड़ेगा तो मैं एलसीएम और एससीएफ पे एक शॉर्ट वीडियो ट्रिक शॉर्ट्स के नाम पे आपके लिए डाल दूंगा बाद में, राइट? अभी के लिए ये समझना जरूरी है कि 2772 इज योर एलसीएम। अगर आप किसी भी, बहुत लोग बोलते हैं कि सर एलसीएम के ट्रिक होते हैं, बेटा जो एलसीएम के जो ट्रिक्स है ना वो सब छोटे नंबर्स के लिए होते हैं, ठीक है? एनीवेज, तो ये 2772 सेकंड हमारा आंसर आ रहा है। अभी आपको क्वेश्चन मिनट में दिया हुआ है, तो 2772 डिवाइडेड बाय 60 कितना आएगा, सॉल्व कर लो। तो 60 के टेबल में कितनी बार जाएगा? 240 यानी 4, तो 4 करके कुछ होगा, 240 मतलब कितना बचा? 77, तो 37 372, 360 यानी 6, तो 46 कुछ होगा, आंसर विल बी 46 मिनट एंड 12 सेकेंड। स्मार्ट बनो, सॉल्व करते समय ऑप्शंस के सामने नजर रखो, पूरा प्रॉपर डिवीजन नहीं करना है, स्मार्ट बनना है। मैंने 4 किया, चेक किया, अगर कोई भी एक खाली 4 पे होता तो मैं उसी को टिक मार देता, लेकिन फिर मैंने देखा कि 3 4 पे, ठीक है नजर बना के रखे थे, आगे बढ़े, 6 आया, आगे मेहनत नहीं की हम, यही मेरा आंसर है। सो होप आपको कंसेप्ट समझ में आया कि कैसे ये सम्स, इस तरीके के सम्स को किए जा रहे हैं। ओके, नाउ अब इस तरह के सम्स को कैसे करेंगे, ये भी क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे गए, लिविंग रिमाइंडर्स। तो जब भी रिमाइंडर्स लिविंग वाला क्वेश्चन आए, चाहे डिफरेंट रिमाइंडर्स लिविंग हो या सेम रिमाइंडर लिविंग हो, आई रिपीट, रिमाइंडर्स के सम्स जब भी आए कि लिविंग रिमाइंडर फलाना फलाना फलाना, तो अगर डिफरेंट रिमाइंडर्स हो तो डिफरेंट माइनस करेंगे, और अगर सेम रिमाइंडर हो तो सेम वैल्यू से माइनस करेंगे। सो 4061 - 2 4059, 4185 - 3 4182, and 4227 - 4 4223। अब भैया इसका HCF अगर निकालने बैठोगे तो सो जाओगे। जी सर, कहीं ना कहीं आप सही बोल रहे हो कि इस तरीके के नंबर्स का HCF निकालना तो काफी मेहनत है। अच्छा मैं एक बार फिर बता देता हूं, अगर मान लो रिमाइंडर सेम रहता, ये डिफरेंट थे तो मैंने आपको बता दिया कि डिफरेंट में डिफरेंट वैल्यूज माइनस हो गए। मान लो
बोलता कि फोर ही रिमाइंडर है जो सबसे माइनस हुआ, तो सबसे हम फोर फोर ही माइनस करेंगे। होप इट इज क्लियर। अभी सर इस तरह के सम्स को कैसे करेंगे? तो हमेशा जब भी इतने बड़े नंबर्स हो तो इन दोनों के बीच में कंसेक्यूटिव दो नंबर्स के बीच में डिफरेंस निकाल लो। 182 माइनस 59, तो 182 माइनस 60 करेंगे तो 122, दैट इज 123। पक्का 4182 और 4223 के बीच में डिफरेंस करो तो 3 माइनस 2 1, 12 माइनस 8 4 1 माइनस 1 0। पक्का है? अब इस दोनों के बीच में HCF निकालो तो HCF क्या होगा सर? HCF होगा 41। आई होप आप इस लास्ट ट्रिक से काफी सेटिस्फाइड होंगे। इतने बड़े नंबर का HCF, सर हमें तो डिविजिबिलिटी रूल के कंसेप्ट से सिखाया गया था। नहीं रे मेरे भाई, मैं तुम्हें सिखाता हूं कॉमन खोजो, कॉमन के फैक्टर्स खोजो। आंसर आ गया 41। यस ऑन। तो जब भी रिमाइंडर वाले सम्स होंगे तो इस तरीके से करेंगे। ये भी आपको PYQ में मिल जाएगा, 2019-20 के पेपर में आपको शायद दिख जाना चाहिए। तो होप आपको बात समझ में आ गया है। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंसेप्ट मैंने HCF में आपके लिए कवर किया। कब HCF यूज करना है, कब LCM यूज करना है, ये मैंने बताया। रिमाइंडर के केस में क्या करना है, ये मैंने आपको बताया। मैंने आपको ये भी बताया कि फ्रैक्शन का HCF और LCM कैसे निकलता है। मैंने आपको ये भी बताया कि नॉर्मल नंबर्स के HCF और LCM कैसे निकलते हैं। तो नॉर्मल नंबर्स के HCF और LCM, भैया इतना UPSC के पास टाइम नहीं है कि क्वेश्चन पूछेगा, तो ठीक है वो आपके प्रैक्टिस के लिए इंपॉर्टेंट है कि कैसे निकलता है, बट एग्जाम अप्रोच के लिए इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट HCF एंड LCM। प्रैक्टिस सेट्स विल बी प्रोवाइडेड टू यू। प्लीज ज्वाइन आवर चैनल विच इज गिवन इन द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड आपको क्लास कैसा लगा प्लीज अपने कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और मैं देख रहा था कि लास्ट क्लास में किसी एक स्टूडेंट को आंसर्स में कुछ कंफ्यूजन हो रहा, तो मैं उसको डाउट सेशन में देख लूंगा। हो सकता है कि आप सही हो सकता है कि हम सही हो। कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं से भी हो सकता है। इट्स नॉट अबाउट विन एंड लूज, इट्स ऑल अबाउट विन एंड विन। दोनों को जीतना है तो इट्स नॉट अ बिग डील, वी विल डिस्कस, नॉट अ बिग डील। आप उसको मूव ऑन कर सकते हैं, उसको डाउट में रख के हम लोग आगे देख सकते हैं। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स और योर ग्रुप्स। डू लाइक आवर चैनल, सब्सक्राइब, एंड कोई भी डाउट हो दिल खोल के पूछो। और प्लीज क्लास एंड होते समय अपने कमेंट जरूर देना कि आपको क्लास कैसा लग रहा है। थैंक यू सो मच।